दोस्तों स्वागत है आप सभी का रोहित फैजल यूट्यूब चैनल में। सो फाइनली पबजी मोबाइल में 0.17.0 का अपडेट आ गया है। काफ़ी वेट के बाद इस अपडेट को आने के लिए बहुत टाइम लगा। जो टाइम फिक्स्ड हुआ था उसमें डिले हो गया था, क्योंकि वो जो वायरस वगैरह चल रहा था तो उस वजह से डिले हो गया था। हालांकि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों है। गुड न्यूज़ ये है कि कुछ अच्छे फीचर्स ऐड हुए हैं, और बैड न्यूज़ ये है कि अभी तक हमें जो है इरिंगल 2.0 देखने को नहीं मिला है। ओके, इस अपडेट में भी 0.17.0 अपडेट में भी बहुत अफवाह ये था कि 0.16.0 में आएगा, बट अब तो 0.17.0 आ चुका है, बट हमें अभी तक इरिंगल 2.0 का अपडेट देखने को नहीं मिला है। सो दैट्स अ वेरी बैड न्यूज़। ओके, कोई नहीं, छोड़ो। इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि न्यू फीचर्स के बारे में जो काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ओके गाइस, सो फर्स्ट फीचर जो मुझे अच्छा लगा वो है गाइस एक न्यू मोड इन्होंने ऐड किया, हार्ड कोर मोड। ओके, बेसिकली ये जो पीसी वर्जन है पबजी का, ओके, उसी तरह से उससे रिलेटेड है। हार्ड कोर मोड में होता क्या है दोस्तों, आपका जो ऑटो पिकअप, जैसे ऑटो पिकअप गन्स ऑटो पिकअप हो जाता है, या बुलेट्स ऑटो पिक होता है, या फिर डोर ऑटो ओपन हो जाता है जब उस डोर के आप लोग सामने जाते हो, तो वो सारा चीज़ें जो है बंद हो जाता है। ओके, आपको सब कुछ सारा चीज़ें जो है मैन्युअली करना पड़ेगा, आपको डोर मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। अगर आपका बुलेट्स फायरिंग करते करते कम हो जाता है तो ऑटो रिलोड नहीं होता। ओके, रिलोड करने के लिए भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें इसमें हार्डकोर मोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली गेम को जो है और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए ये हार्डकोर मोड को ऐड किया गया। हालांकि ये हार्डकोर मोड पहले भी ऐड किया गया था, बट उस फिर हटा दिया गया था, बट फाइनली मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने डिमांड किया है तो हार्डकोर मोड अब वापस आ गया है। तो हार्डकोर मोड को आप यहाँ पे आर्केड में देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग बहुत ही इजीली इस आर्केड मोड को खेल सकते हो। तो हार्डकोर मोड मुझे अच्छा लगा। ओके, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है जो इन्होंने ऐड किया। इसके अलावा दोस्तों आप इन्वेंट्री में जाओगे, और जाने के बाद यहाँ पे जो गाड़ी में क्लिक करोगे तो गाड़ी में आप लोग नोटिस करोगे कि जीप का लुक काफ़ी इन्होंने काफ़ी मेच्योर टाइप का कर दिया। मतलब काफ़ी पहले थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का नंबर वगैरह भी दे दिया है, और काफ़ी मतलब मॉन्स्टर टाइप का लग रहा, काफ़ी मेच्योर टाइप का गाड़ी लग रहा, मेच्योर ही बोलूँ, मतलब काफ़ी रफ एंड टफ गाड़ी लग रहा है। ओके, ये आप लोग देख सकते हो। एंड इसके अलावा हमें चेंजेस देखने को मिलता है डाशिया में। ओके, कौन सा डाशिया, किसको बोलते हैं हम, सीरान को। ओके, तो डाशिया में भी आप लोग देख सकते हो, आगे आपको कॉर्नर में नंबर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इन्होंने लुक भी काफ़ी हद तक चेंज किया है डाशिया का। सो ये भी चेंजेस आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये चेंजेस भी मेरे को अच्छा लगा कि हाँ भाई, एक ही तरह का गाड़ी देखते हुए काफ़ी बोर हो गए लोग, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लो सरकार ने डिमांड कर दिया भाई गाड़ी गेम के गाड़ी में भी नंबर प्लेट वगैरह होना चाहिए। तो पबजी मोबाइल वालों ने भाई गेम के गाड़ी में भी नंबर प्लेट्स वगैरह लगा दिया, तो काफ़ी फनी टाइप का है। बट हाँ गाइस, आपको दो गाड़ी जीप और डाचिया में थोड़ा मॉडल चेंज देखने को मिलता है, और थोड़ा रफ एंड टफ गाड़ी दिखता है। ओके, तो ये दूसरा फीचर इन्होंने ऐड किया है। ओके, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक न्यू गन ऐड किया जिसको इन्होंने नाम दिया DBS शॉर्ट गन, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शॉर्ट गन है ये। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, इसके लिए मेरे को ट्रेनिंग मोड जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग मोड जाके आप लोग को दिखा देता हूँ। TT दोस्तों, ये DBS शॉर्ट गन जो है मैंने अपने हाथ में ले लिया, और कमाल की बात दोस्तों ये है कि एक बार में आप 14 शॉर्ट गन के बुलेट्स लोड कर सकते हो इस DBS शॉर्ट गन पे। ओके, और गाइस इसका डैमेज जो है बहुत ही डेंजर है, यानी कि क्लोज रेंज में अगर आप किसी को एक ही बुलेट में आप उसको खत्म कर सकते हो, एक ही बुलेट में नॉक कर सकते हो, तो बहुत ही पावरफुल शॉर्ट गन है। ओके, और कमाल की बात दोस्तों ये भी है कि इसमें आप स्कोप लगा सकते हो 6x तक। आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। ओके, और काफ़ी तेज़ रिलोड भी होता है, जैसे कि आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, एक बुलेट फायर करके दिखा देता हूँ। ओके, ये मैंने फायर कर दिया और रिलोड में क्लिक करता हूँ, देखो आप कितना जल्दी रिलोड होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गन है ये। ओके, लेकिन गाइस इसमें ट्विस्ट है। ओके, ये गन आपको नॉर्मली किसी भी घर पे नहीं मिलने वाला है। ये गन मिलेगा आपको एयर ड्रॉप में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जो है ये गन एयर ड्रॉप में मिलने वाला है, तो ये काफ़ी
अजीब सी बात है, कंफ्यूजिंग सी बात है कि आप लोग को एयर ड्रॉप में भी शॉट गन देखने को मिलेगा। हालांकि इसका बेनिफिट बहुत है, 14 बुलेट्स लोड होता है एक टाइम पे, बहुत जल्दी रीलोड हो जाता है, एकदम से रीलोड हो जाता है, और मतलब 14 बुलेट्स लोड होता है एकदम से रीलोड हो जाता है, और डैमेज बहुत ही भयंकर है इसका। ओके, और 6x इसमें लग जाता है, तो बहुत ही बढ़िया। इसका साउंड मैं आप लोग को सुना देता हूँ, और एक आध बुलेट्स लगातार चला के दिखा देता हूँ, 14 का 14 बुलेट जो है खाली करके दिखाता हूँ आपको। और गाइस इसमें होता क्या है कि दो बुलेट जैसे आप लोग चलाओगे ना, उसके बाद हल्का सा 1 सेकंड का ब्रेक लेता है रिलोड होने के लिए, 2 बुलेट्स तो एकदम से चला देता है ये। ओके, उसके बाद हल्का सा रिलोड होता है, उसमें 1 सेकंड आपका वेस्ट हो जाता है, बट गाइस बहुत बढ़िया गन है। ओके, तो एक ये न्यू DBS शॉटगन एडवाइस 0.16.0 अपडेट में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक UZI जो है इसका गन का जो है थोड़ा सा लुक इन्होंने चेंज किया, जिस नीचे आप लोग देख सकते हो UZI मैंने गन ले रखा है, और इसको मैं फायरिंग करके दिखाता हूँ। साउंड तो सारा का सारा वैसा ही है, बट इन्होंने थोड़ा सा लुक जो है चेंज कर दिया है UZI का। ओके, तो ये भी आपको न्यू देखने को मिलेगा इस पबजी मोबाइल 0.17.0 अपडेट में। सो इसके अलावा आप लोगों को न्यू जंप एनिमेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी अभी मैंने जंप किया, और आप लोगों को एक नया तरह का एनिमेशन देखने को मिलता है, आप लोग रिपीट में देख सकते हो, जैसे ही मैं जंप करता हूँ एक तरह से फोल्ड हो जाता हूँ। ओके, इसके अलावा दोस्तों आप अपने टीममेट्स के अब जो है वॉइस कंट्रोल कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आपका जो टीममेट्स है उसका माइक ऑन रखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है, उसका आप बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, इसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। अब आप जो है 100 से 70-50 जितना भी आप लोग टीममेट्स के जो है वॉइस जो है अपने टीममेट्स के वॉइस को जो है कंट्रोल कर सकते हो। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको जो आप जो है ब्लू जोन यानी कि डेंजर जोन जो है उसका भी कलर आप लोग जो है अब चेंज कर सकते हो। 4 तरह के कलर ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, इसको आप लोग ग्रीन कर सकते हो, डार्क ब्लू कर सकते हो, मतलब 4 तरह के ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, जैसे आप लोग ये चेंज करते हो ना गाइस, जोन का कलर चेंज करते हो, तो ये आप लोगों को जैसे आप किसी बंदों को मारते हो तो उसमें पहले रेड आता था, इस अब आप लोगों को गाइस कलरफुल भी कर सकते हो इसको। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस बंदे को मैं मार रहा हूँ तो ये येलो कलर का जो ब्लड इसमें दिख रहा है, तो ये भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहा है इस अपडेट में। ओके, जैसे कि एक आध और मार के दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, इसके अलावा जो गाइस मोस्ट अवेटेड फीचर है वो भी आप लोगों को इस अपडेट में देखने को मिलेगा 0.17.0 अपडेट में, वो है डेट रीप्ले। इसका मतलब दोस्तों ये है कि फॉर एग्जांपल आप मर जाते हो, किसी ने आपको मार दिया, तो आप उसका रिप्ले देख सकते हो। ओके, उससे ये पता लगा सकते हो आपकी आपको हैकर ने मारा या फिर लीगल बंदे ने मारा। ओके, तो रिप्ले में आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उस वो बंदा जिसने आपको मारा, अगर आपको ऐसा शक होता है कि वो हैकर है तो आप लोग रिप्ले करके देख सकते हो। ओके, और अपना जो कंफर्मेशन है वो पूरा कर सकते हो। तो ये डेट रिप्ले वाला जो सेटिंग आपको अपने गेम के सेटिंग्स में जाके बेसिक में जाके आपको आप जो है इसको इनेबल कर सकते हो गाइस। तो ये इसके अलावा दोस्तों कोल मोड करके भी एक वैकेंडी में एक न्यू मोड ऐड हुआ है, और भी छोटे मोटे बहुत चेंजेस हुए हैं इस अपडेट में। सो लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो सारे के सारे फीचर्स मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दिया। आप बताइए गाइस, मैंने कौन से जो फीचर्स है वो मिस कर दिया है इस वीडियो में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और ग्रेनेड की कलर भी चेंज हो रहा है, ग्रेनेड में भी कोई न्यू इफेक्ट्स वगैरह इन्होंने ऐड किया है। ओके, एनिमेशन इफेक्ट वगैरह, तो ये सारे चेंजेस आप लोग को इस अपडेट में 0.17.0 अपडेट में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा अपडेट था, लगभग 1700 MB का अपडेट, लेकिन नो एरिंगल 2.0, वेरी सैड। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा फीचर मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया। साथ ही साथ अगर आप पबजी मोबाइल के फैन हो या पबजी मोबाइल लाइट के फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अजय साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।